हेलो फ्रेंड्स, मेरे रेसिपी क्वीन हिंदी चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे आशा करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ आलू और दही की रेसिपी। फ्रेंड, मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 आलू मीडियम साइज ले लिया है और अच्छे से मैंने साफ कर लिया है। देखिए अब पीसेस कैसे करते हैं ये मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे पीसेस मीडियम साइज करना है। अगर आपके पास और ही छोटा आलू है तो आप 2 पीस कर सकते हैं। मैं 1 आलू के यहाँ पे 4 पीस कर रही हूँ इस तरह से। ऐसे ही करते मैं सारे आलू को काट लूंगी। इसको मैंने साफ पानी से बहुत अच्छे से इसको साफ कर लिया है। अब यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर ले लेती हूँ और 1 कप मैंने पानी डाला है इसमें। जो आलू मैंने काट के रखा था उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक इसलिए डाल रही हूँ कि आलू में कोई स्वाद नहीं होती, फीकापन होती है। अगर ऐसे प्रेशर हम इसको दे देंगे तो बहुत ही अच्छे से आलू में अंडर तक समा जाएगा नमक, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, इसको मैं कुक होने के लिए रख दूंगी। ये बहुत ही ज्यादा नहीं करना है, 1 बस सू आएगी तो हमें वहीं पे गैस बंद कर देनी है हमें। अगर हम बहुत ही ज्यादा इसको प्रेशर आने देंगे तो बहुत ही ज्यादा गल जाएगा, तो अच्छा नहीं बनेगा। देखिए बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। 2 से 3 मिनट लगती है इसको, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को तरह से। देखिए बहुत ही अच्छे से बॉईल, जैसे हम आलू को बॉईल करते हैं इसी तरह बॉईल हो चुकी है वो। अगले स्टेप और चलते हैं। यहाँ पे मैं गैस ऑन कर लेती हूँ और एक छोटी सी अपने पैन को ले लेती हूँ। इसमें तेल डालूंगी, 1 बड़ा चम्मच में तेल डाल रही हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तेल हल्का गर्म हो। यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया 1 छोटी चम्मच। 1 मैंने मीडियम प्याज काट के रखी थी उसको भी डाल दिया, और 2-3 कलियां मैंने लहसुन की बारीक कर रखी थी वो डाल दिया। 4 मिर्ची मैंने लिया था उसको मैंने चीरा लगा के इस तरह से उसको भी डाल दिया और इस तरह से मिक्स कर दिया। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच हींग डाली हूँ और 1 छोटी चम्मच यहाँ पे मैं नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सबको एक साथ इस तरह से मिक्स कर दूंगी। अगर हींग डालते हैं बहुत अच्छा स्वाद आती है। यहाँ पे मैंने 1 छोटी कटोरी दही लिया है। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं, वरना सब्जी खट्टी हो जाएगी। मेरे दही बिल्कुल फ्रेश है, इस तरह से मिक्स कर दूंगी। देखिए बहुत ही अच्छी लगने लगी है। जो आलू मैंने बॉईल करके रखी थी उसको भी डाल देती हूँ मैं। अब यहाँ पे डालूंगी 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और उसको डाल के मैं इस तरह से मिक्स कर दूंगी। जो कप में मैंने पानी लिया है बिल्कुल आधी से भी कम लिया है, थोड़ा सा जो भी मसाला है ये आलू में मिक्स हो जाए। फ्रेंड, बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपके घर में कुछ भी सब्जी ना हो, दही और आलू हो, तो झटपट आप तैयार कर सकती हो और अपने घर में आराम से बच्चों के साथ खा सकती हो। देखिए बहुत ही अच्छे लगने लगी है। कस्तूरी मेथी रहता है उसको थोड़ी सी मैं फ्राई पैन में गरम करके इसको क्रश कर लिया था मैंने, और उसको भी डाल दूंगी। अगर कस्तूरी मेथी डालते हैं तो और ही अच्छा स्वाद बना देती है। देखिए बहुत ही अच्छे लगने लगी है, बहुत ही टेस्टी लगने लगी है। फ्रेंड, जरूर बनाएं मेरी रेसिपी अपने घर में। मैं 1 प्लेट में निकाल देती हूँ। रोटी के साथ ही बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी। दही और आलू की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। फ्रेंड, मेरी रेसिपी अपने घर में जरूर ट्राई करें और जरूर बताएं कि कैसे लगी मेरी रेसिपी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में अभी आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।